अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने दावत की है अपने ससुराल वालों की, क्योंकि ईद के बाद मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। और आज जो है मेरी नंद आई थी और मेरी जेठी लड़की है वो भी अपने ससुराल से आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाए। अच्छा जी, मैं संडे को आई थी और मंडे को मुझे दावत रखना पड़ी, क्योंकि फिर मेरी नंद जो है वो अपने घर चले जाने वाले थे। तो फिर मैंने शाम की दावत की तैयारियां मैंने सुबह से कर ली थी। और आज का मेरा मेनू है जो वो है चिकन चीज़ी रोल बनाए थे मैंने, और मैंने बनाया था शाही टुकड़े और साथ में बनाया था चिकन कोरमा, राइस और सलाद। तो चलिए आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है चिकन को धो लिया था और उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए थे। तो जी, कौन से मसाले मैंने इसमें डाले थे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन में डाल दिया था दही जो था 1.5 कप के करीब, और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन धनिया पाउडर और हल्दी मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। साथ ही में मैंने इसमें डाला था 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ये सारी चीज़ों को मैंने 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, और फिर उसके बाद मैंने एक बार चम्मच चलाकर इसको पकाने के लिए रखना है। तो जी, अब ये मेरी न्यू जो है डेग आ चुकी है, और ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसे ख़रीदा था। बड़ी प्यारी है, और मैंने खास तो इसे बिरयानी के लिए लिया था, पर आज मैं इसमें कोरमा बना रही हूँ। तो पहले मैंने गैस स्टार्ट करके इस पर कढ़ाई रख दी है, और इसमें सारा मैरिनेट चिकन डाल दिया है और तेल वगैरह अभी नहीं डाला है, और आधा ग्लास पानी डाल के मैंने इसको स्लो आंच पर ढककर पका लिया है। तो जी, ये है बिरिस्ता जो मैंने पीस कर जो है कोरमे में डाल दिया था, और ये नासिक प्याज का है जो मैं फ्रीज़र में हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि पकाने में मुझे आसानी हो। और ये जो है वो मगज के बीज हैं जिसको मैंने भिगो कर पीस कर इस कोरमे में डाल दिया है, और टमाटर इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, और ये भी तो हाफ डन है, पूरा तो हुआ भी नहीं है। तो जी, इसमें जितना भी मुझे शोरबा चाहिए था मैंने उतना पानी गर्म करके इसमें डाला है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से कोरमा है जो पानी छोड़ देता है। तो उसे 10 मिनट के लिए पकाया है, और अब मैं जो है रोल तैयार करने लगी हूँ, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ और इसकी लिंक आपको दिख जाएगी। तो आज मैंने रोल बनाए हैं, पर इसी स्टफिंग से मैंने पॉकेट बनाए थे, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये रमज़ान में मैंने रेसिपी ट्राई की थी और बनाई थी, तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई थी, और रमज़ान के बाद 2-3 मरतबा और बनाया था, और फिर ये फरमाइश पर बनाई जा रही है। तो ये दावत तो एक बहाना था, सिर्फ एक मिलना मिलाना रहता है और आपस में मोहब्बत रहती है, तो मिलना चाहिए, बुलाना चाहिए, एक दूसरे के करीब रहना चाहिए हमें। अगर हम बड़े एक दूसरे से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में भी मोहब्बत बढ़ेगी, और आने वाले वक्त में वो मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे की कद्र करना सीखेंगे। तो जी, आज मीठे में बन रहा है शाही टुकड़े, उसके लिए मैंने 1 ट्रे करीब जो है वो दूध उबालने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, सालन भी बिल्कुल रेडी है। इसमें लास्ट में मैंने जो है केचप डाला था और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर इसे मिक्स कर लिया था, और इस तरफ जो है मेरे दूध में एक उबाल आ गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया था केसर और थोड़ा सा मावा डाल के उसे रबड़ी बनाने के लिए रख दिया है। और थोड़ा उबलने के बाद जो है इसका कलर चेंज हुआ था, तो मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी किशमिश और केवड़ा एसेंस। तो एक तरफ जो हमारी रबड़ी तैयार हो रही थी, तब तक मैंने ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है, और ये है देसी घी जो मेरा होममेड है, और उसमें मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। तो जी, आज मैं दावत की तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो देखते हैं वो मेरे लिए क्या लाए हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि वो मेरे क्या लेके आए हैं मेरे लिए, और आपकी जो फीडबैक्स हैं मुझे बहुत हौसला देती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, यहाँ पर मैं जो है थोड़े से नाम लेना चाहूँगी जो है मुझे पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो है हिना हालानी, शबनम दाऊदानी है, और एक इरफान अली नाम की आईडी है, और एक जो है सिंगल मॉम इन पाकिस्तान जो मुझे हमेशा से मुझे सपोर्ट करती आई हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। तो जी, मेरी सारी ब्रेडें बिल्कुल तल के तैयार हो गई थी, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मावा, क्योंकि अब इसे असेंबल करना है हमें। बिल्कुल इजी रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी है।
और शाही टुकड़े बड़े मज़े के बने थे और दूसरे दिन तो बड़े मज़े के लग रहे थे, थोड़े से बच गए थे और फ्रीज में रख के ठंडे ठंडे मैंने खाए थे। और अब चलिए इस पर डाल देते हैं हमारी तैयार की हुई रबड़ी। अगर आप चाहें तो इसे बनाकर फ्रीज में भी रख सकते हैं और आप इसे 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं। और ये सब प्रिपरेशन जो मैं कर रही थी, मैं दोपहर से लगी पड़ी थी और माशाल्लाह से मेरा 5 से 6 बजे तक तो सारा रेडी हो गया था खाना। तो अल्लाह हिम्मत दे ही देता है, अगर आपकी नीयत सही है तो कोई मसला नहीं होगा। तो नीयत का मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपने रब को राज़ी करना है, क्योंकि रब बड़ा राज़ी होता है जब हम एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। तो फिर हमें चाहिए कि अपने जो रिश्ते हैं, जो हम पर हक रखते हैं, उनका हक अदा हो, थोड़ा सा भी हो। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि कोई नाराज़ ना हो हमसे। ना इत्तेफाकियाँ हर घर में होती है, पर उसे पकड़ कर बैठ जाना ये कोई सही बात नहीं है। इसलिए दिल बड़ा करके एक दूसरे से ज़रूर मिले, एक दूसरे के पास रहें, हाल चाल जानते रहें। तो जी, अब ये मेरा सारा खाना रेडी हो चुका है और अब मैं रोल तलने लगी हूँ। और आपको मैं बताती हूँ कि सारे गेस्ट आ चुके हैं और मैंने खाना लगा दिया है। तो जी, जब सारे गेस्ट आ चुके थे तो मैं भूल गई थी कि मुझे व्लॉग बनाना है और मैं उनके साथ बातों में लग गई थी। फिर मुझे अचानक से याद आ गया था, तो फिर मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप बताई है। तो प्लीज़ नाराज़ ना होना, थोड़ी सी नज़रअंदाज कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखें, आप सब आ चुके हैं और मज़े लेकर खाना खा रहे हैं। तो जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।